friend, how are you? I hope you will be all fit and fine. Welcome to your online class from Maharaja Seminary. Today we will read chapter 12, Water. Water is an essential need for all of us. हम सभी जानते हैं कि हम सभी के लिए पानी बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है. तो पानी की आवश्यकता हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते भी हैं कि जल ही जीवन है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव. और सभी जीव जंतु को सर्वाइव के लिए, जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. वी नीड वाटर फॉर वेरियस एक्टिविटीज लाइक ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, बाथिंग, कुकिंग एंड स्विमिंग. हम सभी को पानी की विभिन्न तरीकों से आवश्यकता होती है, जैसे कि पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, पीने के लिए, सभी चीज़ों के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है. वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड. और इसके अलावा पानी हमारे भोजन को पचाने में भी सहायक है, तो हमारी बॉडी के लिए भी आवश्यक हुआ. इट मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर. और यह हमारे शरीर के तापमान को भी मेंटेन करता है. इट आल्सो हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी. और यह हमारे जो शरीर में वेस्ट चीज़ होती हैं या अपच बिना पचा हुआ भोजन होता है, उसको बाहर करने में सहायता करता है. अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है सोर्स ऑफ वाटर. ओके, टॉपिक नंबर वन, सोर्सेस ऑफ वाटर. पानी के स्रोत. सोर्सेस ऑफ वाटर, पानी के स्रोत. पानी हमें कहाँ से मिलता है, किस किस जगह से मिलता है, किसके द्वारा मिलता है. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. पृथ्वी पर पानी का मुख्य स्रोत वर्षा है सबसे. और ये एक प्राकृतिक स्रोत भी है और मुख्य स्रोत भी है. अगर क्वेश्चन होता है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द वाटर, तो आपका सीधा सा सिंपल सा आंसर बनता है रेन. राइट, द रेन वाटर गेट्स कलेक्ट इन द पॉन्ड, लेक, रिवर, सीज एंड ओशंस. क्योंकि बारिश का पानी ही नदियों, तालाबों, झीलों, समुद्रों, सागर, महासागरों में ही ले जाकर इकट्ठा होता है. सम ऑफ द रेन वाटर आल्सो सीप्स अंडर द ग्राउंड. और कुछ पानी, कुछ वर्षा का कुछ जल जमीन के अंदर जाकर, जमीन के अंदर चला जाता है और जिसको पृथ्वी सोख लेती है. इट दिस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. इस पानी को हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं. दिस वाटर इज टेकन आउट बाय द डिगिंग वेल, ट्यूबवेल एंड हैंडपम्प. और इस पानी को कुओं, हैंडपम्प के द्वारा और ट्यूबवेल के द्वारा हम प्रयोग में लाते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक क्लीनिंग वाटर. Gracias.
टाइफाइड, डायरिया है आदि। तो बच्चों आज हमारा पेज नंबर 84 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज नंबर 85 में आपको नेक्स्ट डे रीड कराऊंगी। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस मी। ओके, थैंक यू वेरी मच।